हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम में यूनिट डिजिट से किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सारे टाइप्स को हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह के रूल्स हैं और उस रूल्स को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि यूनिट डिजिट, इकाई संख्या हम लोग कहते किसे हैं। तो इकाई संख्या, जैसे आपका कोई भी डिजिट लिखा गया है, जैसे ये ही है 579, या फिर कोई दूसरा डिजिट ले लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी डिजिट ले लीजिए। तो अगर इसका पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 7, और अगर इतना ही तक 6 ही तक रहता तो इसका यूनिट डिजिट 6 होता। मीन्स इकाई संख्या जो हो उसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। तो यूनिट डिजिट से जो है हम लोग आज देखेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि आपके एग्जाम में मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो सबसे पहला इजी जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये लिया है 23 × 579 × 34। इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, तो हमको मतलब 23 को मल्टीप्लाई नहीं करना है 579 में, हमको बस यूनिट डिजिट से काम है, हमको पूरे संख्या से काम नहीं है। तो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना आएगा 27 आएगा, और इसको हम 27 को मल्टीप्लाई 4 में नहीं करेंगे, हम लोग 2 को भूल जाएंगे क्योंकि हमको बस यूनिट डिजिट से काम है। तो हम लोग फिर 7 को करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, तो 7 को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 28। मीन्स इसका यूनिट डिजिट जो होगा, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 8, ना कि 28, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, ये एक मतलब नियम है कि किसी भी मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसके आखिरी यानी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यह ध्यान रखिएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाया जा सकता है उस क्वेश्चन को। देखिए, वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये चार संख्या वाला क्वेश्चन है, जैसे 37, फिर 27, फिर 42 और फिर 45। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि बस आपको यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे 7 × 7 करेंगे तो आपका 49 आएगा, फिर 49 का यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हमारा 18 आएगा, तो और फिर 18 का यूनिट डिजिट जो होगा 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 0। मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा हमारा 0 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन में रहे और अगर उस क्वेश्चन में जो अगर आप पेयर बना सकते हो, जैसे इस यहाँ पे पेयर बन सकता है, दो दो मतलब दो पेयर बन सकता है, एक 37 और 27 का और एक 42 और 45 का, तो उस पेयर से हम लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन जो सेट किया जाता है वो आपको टाइम में फंसाने के लिए सेट किया जाता है। देख, वहाँ पर चेक किया जाता है कि आप मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल कितनी जल्दी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इजी है क्वेश्चन, लेकिन ये देखा जाता है कि वहाँ पे कौन कितनी जल्दी बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब 20 सेकंड में कोई बहुत जल्दी बना लेगा, तो लेकिन 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए वो देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 40 मतलब दोनों को हम लोग देखेंगे, 7 × 7 = 49, चलिए ये हो गया। फिर देखेंगे 5 × 2 = 10, मतलब 10 आ रहा है, मींस इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा, और 0 होगा तो फिर उसके बाद हम लोग 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा, तो ये ध्यान रखना। और इसी तरह से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद एक रूल और देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधे तरह से क्वेश्चन आते हैं, और बस आपको बस क्वेश्चन देखना है कि हाँ 0, 1, 5, 6 है, तो बस वो टिक कर देना है। तो देखिए क्या है रूल, जैसे 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर हो, चाहे वो ऑड पावर हो या फिर इवन पावर हो या फिर छोटा पावर हो या फिर बड़ा पावर हो, कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे 0 पे कोई भी पावर हो 0 ही रहेगा, फिर 1 पे कोई भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, 5 पे कोई भी पावर हो 5 ही रहेगा। जैसे 5 पे 2 पावर भी रख देंगे, 5 पे 2 पावर रहने का मतलब हुआ कि 5 × 5 मीन्स 25, तो 25 हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो गया 5 हो गया। फिर 5 पे 3 पावर रखते हैं, 5 पे 3 पावर रखते हैं तो 5 × 5 × 5 मीन्स 25 हो गया ये, फिर 25
तो कितना आया हमारा यूनिट डिजिट, 5 आया। तो ये ध्यान रखना है। फिर यही कंडीशन जो है सेम अप्लाई होता है 6 वाले में भी। 6 पे भी कितना ही बड़ा पावर रखेंगे, कोई भी पावर रखेंगे, हमेशा यूनिट डिजिट हमें 6 ही मिलेगा। तो ये बस ध्यान रखना है, बस ध्यान रखने का बात है। देखिए जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा इससे रिलेटेड, जितने सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आपका मतलब उतना उतना दिन तक आपको ध्यान रहेगा। और इस तरह से इस तरह मतलब एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब स्टूडेंट को कितना ध्यान है, कि कितना जल्दी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस यूनिट डिजिट का मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। देखिए सबसे पहले कि सबका यूनिट डिजिट हम एक एक करके निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे मीन्स इसमें टाइम लगेगा। और उसके बाद देखिए इसमें टाइम लगेगा तो आप लोग बना लीजिएगा खुद से कि इसमें कैसे बनाएंगे। जैसे 2 का पावर 3 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। फिर 3 का पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, देखिए 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, फिर 7 3 21, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो फिर इसका यूनिट डिजिट 1 लिखेंगे। तो इस तरह से करने में हमारा समय ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है और 6 है, और हमको पता है कि 5 पे कोई भी पावर हो, 6 पे कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहता है। मीन्स यूनिट डिजिट इसका 5 ही होगा और इसका 6 ही होगा। और फिर जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन 30 आएगा, और मीन्स इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। और उसके बाद हम किसी भी 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट है वो 0 रहेगा, इसका आंसर 0 होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिएगा। फिर उसके बाद 4 और 9 से कौन सा रूल है वो देखते हैं। 4 से भी रूल है और 9 से भी रूल है, और ये रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अब पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो 4 और 9 से ही पूछा जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये रूल नहीं पता होता है। इसीलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन बना तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में वो कम से कम 20 to 30 सेकेंड लगा देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बस 5 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, तभी तो आप किसी और मैथ्स के और किसी सेक्शन में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो देखिए क्या है 4 और 9 से रूल। 4 और 9 दो ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट हर 2 पावर के बाद चेंज होता है। मीन्स अगर 4 पे 1 पावर है तो वो 4 रहेगा, 4 पे 2 पावर है तो वो 6 रहेगा, फिर 4 पे 3 पावर है तो वो 4 ही रहेगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि 4 पे कोई भी ऑड पावर हो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 4 ही रहेगा, और 4 पे कोई भी इवन पावर हो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 6 ही रहेगा। ये ध्यान रखना है कि 4 पे कोई भी ऑड पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, 4 पे कोई भी इवन पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। यही कंडीशन जो है 9 नंबर पे भी अप्लाई होता है। वो किस तरह से वो देखते हैं। देखिए 9 पे कोई भी ऑड पावर हो उसका जो यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आएगा। आप बना के देख लीजिए। देखिए जैसे 9 पे हमने 3 पावर रखा, 9 पे 3 पावर रखने का मतलब है 9 × 9 × 9, 9 9 81 81 आया। इसके यूनिट डिजिट को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। मीन्स ये जो हमारा पावर है 3 वो हमारा ऑड पावर है। आप 9 पे 5 पावर भी रख के बना अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा मीन्स लास्ट में जो आपका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका लास्ट का संख्या, इकाई संख्या, यूनिट डिजिट जो है वो 9 ही रहेगा। और हमें यूनिट डिजिट से ही काम है। फिर उसके बाद 9 पे कोई भी इवन पावर हो, कोई भी इवन पावर हो हमेशा वो उसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। जैसे 9 पे पावर हमने 2 रखा मीन्स 9 × 9, 9 9 81, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 आया। 9 पे पावर अगर 4 भी रखते हैं, 9 को अगर 4 बार भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो है, देखिए हमको यूनिट डिजिट अगर कोई जैसे तीन तीन संख्या है, जैसे जैसे मैंने आपको 9 पे पावर 3 बताया आपको, तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने बता दिया था कि 9 × 9 × 9 है तो 9 9 81 आया। तो हमको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसको भूल जाना है, बस इसका यूनिट डिजिट को हमको आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा आता है उसको उसी को हम लोग यूनिट डिजिट मानते हैं, जो लास्ट वाला जो अंक रहता है। तो बस इससे ये याद रखिए कि 4 पे कोई भी ऑड पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, 4 पे कोई भी इवन पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, और 9 पे कोई भी ऑड पावर हो तो 9 और इवन पावर हो तो हमेशा 1 ही आएगा। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे देखिए 84 है मींस इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया 84 का, और इसका पावर जो है वो है 89 मींस इसका यूनिट डिजिट जो है वो है 9, और 9 कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है।
तो हमने पढ़ा था कि 4 पे कोई भी ऑड नंबर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा। फिर उसके बाद है 74 और 74 का पावर 22, इसका यूनिट डिजिट हो गया 4 और इसका यूनिट डिजिट हो गया 2, और इसका जो पावर है यूनिट डिजिट वो है इवन। और हमको पता है 4 पे कोई भी इवन पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। फिर उसके बाद 9 वाला भी देख लेते हैं, 19 पे पावर है 85, तो इसका जो 85 पावर है वो है लास्ट वाला 5 जो है हमारा, वो है ऑड नंबर। और हमने डिस्कस किया था कि 9 पे कोई भी ऑड पावर हो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा, सॉरी, 9 ही होता है। और उसके बाद जो है 19 पे पावर है 86, और 86 मीन 6 जो है हमारा इवन पावर है, और 9 पे कोई भी इवन पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो 1 ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी होगी, जल्दी उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प कर